कल की 2898 एडी की जो शुरुआत की गई है वो काफी अब्रप्ट है और आई थिंक एक परफेक्ट नोट पर इस फिल्म को खत्म किया गया है, क्योंकि ऑडियंसेस के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और जिस हिसाब से इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी था एकदम जबरदस्त और ऑसम, तो उसके बाद जब ये पहला पार्ट खत्म होता है तो ऑडियंसेस शॉक में आ जाती है और जब उनको ये देखने को मिलता है कि ये पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो काफी सारे सवाल ऑडियंसेस के दिमाग में उठने चालू हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पहले पार्ट की एंडिंग की और आगे के सीक्वल्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सुप्रीम यास्किन, यानी कि कमल हसन का। अब वैसे तो ज्यादा स्क्रीन टाइम फर्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को नहीं दिया गया, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दिखाया है फर्स्ट पार्ट में। और एक बात बहुत क्लियर है कि पूरी फिल्म में ना कली वर्ड यूज किया है ना कल्की वर्ड यूज किया है, तो ऑडियंसेस के दिमाग में ये सवाल है कि क्या कमल हसन भी एक कमांडर है, क्या उनके ऊपर एक और यहाँ पर कली आने वाला है। तो एक बात काफी क्लियर है कि देखो, अगर कमल हसन को कास्ट किया है नेगेटिव रोल के अंदर तो उनके ऊपर कोई नहीं आ सकता, वो एक फाइनल और एक पावरफुल विलन के तौर पर ये पूरी सीरीज में रहने वाले हैं। और अब तो उनके पास ज्यादा पावर्स हो गई है, जो सीरम उन्होंने जो थोड़ा सा बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया उससे उनकी बॉडी वापस रिस्टोर हो गई है और अब वो पावरफुली वो गांडीव को भी उठा लेते हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब आप एक पावरफुल नेगेटिव फोर्स की तरफ जाने वाले हो और यही कैरेक्टर आपको जबरदस्त तरीके से दिखाया जाने वाला है जो आगे के पार्ट से उसके अंदर। जो दूसरा कैरेक्टर है वो है अमिताभ बच्चन सर का एज अश्वत्थामा, और हैंड्स डाउन पार्ट वन में अमिताभ बच्चन सर ने टॉप नॉच एक्टिंग की है। जैसे कि आपको पार्ट वन की शुरुआत में महाभारत का सीन दिखाया गया है और जहां पर श्री कृष्णा जी यहां पर एक श्राप देते हैं अश्वत्थामा को कि आप अमर रहोगे, और एक जिम्मेदारी भी देते हैं कि आप जब मैं 6000 साल बाद वापिस जन्म लूंगा तो आप मेरी माँ को बचाओगे। तो जो पूरी फिल्म में आपको एक पेन जैसा दिख रहा है अमिताभ बच्चन सर के फेस पर, वो काफी ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने निभाया है और साथ में जो जिम्मेदारी है वो भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाई गई है कि कैसे वो सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण को बचाते हैं पूरी फिल्म के अंदर। अब अगले पार्ट में आप इस कैरेक्टर यानी कि अश्वत्थामा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो जो सबसे बड़ा काम है जो उनको करना पड़ेगा वो ये है कि भैरवा यानी कि प्रभास को बिलीव करवाना पड़ेगा कि वो कर्ण है, जो कि एक महायुद्ध योद्धा है महाभारत के अंदर, और फिर उन दोनों को ही मिलकर दीपिका पादुकोण को बचाना पड़ेगा इस महा और पावरफुल नेगेटिव फोर्स के सामने। तो ये एक मेन रोल होने वाला है और साथ में उनका ये भी रोल होने वाला है कि दीपिका पादुकोण को भी एक क्लैरिटी दे और उनको एक विश्वास जगाए कि वो भगवान को जन्म देने वाली है। ये जो फर्स्ट पार्ट में जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो लोग अटैक कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो भगवान के जन्म को रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पर अश्वत्थामा का कैरेक्टर नेक्स्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको दोनों ही कैरेक्टर्स भैरवा और सुमिति दोनों को यहाँ पर बिलीव करवाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस होगा जिसके चलते वो प्रभास को बिलीव करवा सके कि वो महायोद्धा कर्ण है। इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो है प्रभास का एज भैरवा। देखो, काल भैरव के रेफरेंस से काफी सारी चीजें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बताई है कि कैसे वो प्रोटेक्टर थे काशी सिटी के, और प्रभास को भी बिलीव हो जाता है कि मैं प्रोटेक्टर हूँ काशी सिटी का। लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है और जो डायरेक्टर ने यहाँ पर सरप्राइज किया है ऑडियंसिस को, जो एक अवतार में शिफ्ट होता है जहां पर कुछ ही टाइम के लिए भैरवा कर्ण के अवतार में आ जाता है, वो काफी माइंड ब्लोइंग है। और जो मेन हीरो है इस फिल्म का वो प्रभास ही होने वाले हैं। भले ही फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर कम रोल था, इतना दमदार नहीं था, लेकिन आगे के पार्ट में ये काफी क्लियर हो जाता है कि जो नेगेटिव फोर्स है, जो कली है, उसको रोकने के लिए भैरवा को कर्ण का अवतार लेना पड़ेगा
जो कि एक महायोद्धा थे महाभारत के अंदर। कल्कि 2898 एडी की जो एंडिंग है वो तकरीबन यहाँ पर काफी क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जो ऑडियंसिस के दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। जैसे कि दलकीर सलमान का जो कैमियो दिखाया है पार्ट वन के अंदर और उनके जो गैम्बलिंग के शौक दिखाए हैं, क्या वो युधिष्ठिर से मैच करते हैं अगर आप महाभारत का रेफरेंस ले। और जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे यूनिवर्स को लेकर कि इस फिल्म में आगे जाकर कल्कि बनेगा कौन, कौन होगा वो एक्टर जो कल्कि का रोल निभाएगा इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में हमको बता सकते हो, या अगर आपकी कोई अलग राय है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिनेमा झलक को, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना।